दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की जरूरतें बढ़ रही है और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। इन्हीं आविष्कारों में कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर सभी की आंखें फटी रह जाती है। तो आज मैं आपको दुनिया की 5 ऐसे विशाल मशीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों नंबर 1 पे SK-3500D। इस विशालकाय क्रेन का निर्माण जापान में किया गया है जिसे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। इसे SK-3500 स्काई स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने न जाने कितनी गगनचुंबी इमारतों को तबाह किया है। इस विशाल का हाइड्रोलिंग आर्म पर लगे इस विशाल पंजे की मदद से ये मशीन बड़ी से बड़ी इमारतों को आसानी से गिरा सकती है। इस मशीन में धूल और मलबे से उड़ने वाले फुहार से निपटने के लिए एक्सट्रीम पावर जेट भी इंस्टॉल है, यानी कि पानी का फुहारा जो मशीन की सहायता से स्काई स्क्रैपर को तोड़ने में मदद करता है। दोस्तों इतनी विशाल का मशीन देखने के बाद लगता है कि ऊंची से ऊंची बिल्डिंग को यह बड़ी आसानी से धराशायी कर सकती है। नंबर 2 पे बिग बर्था। दुनिया की सबसे बड़ी टनल बनाने वाली मशीन। इस मशीन को बनाने की लागत $80 मिलियन है। इस विशालकाय दैत्याकार मशीन की लंबाई 326 फीट है और वजन तकरीबन 6700 टन। इस मशीन का निर्माण बड़ी बड़ी सुरंगों को बनाने के लिए किया गया है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बिग बर्था एक अहम हिस्सा बनने वाली है जिससे सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक को अंडरग्राउंड सुरंग बनाकर कम किया जा सकेगा। इस मशीन को इंस्टॉल करने में लगभग 2 दिन का समय लगता है और जब इस मशीन का काम चालू होता है तो इस मशीन के काम करने की काबिलियत को देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इतने सारे लोगों को काम अकेले इतने आसानी से कर लेती है, जिस कारण से यह नंबर 2 की पोजीशन पे है। तो दोस्तों बारी आती है नंबर 3 की। तो दोस्तों नंबर 3 पे SLJ-900। चाइना देश को आगे बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का ईजाद कर रहा है और SLJ-900 उसी का एक नमूना है। ये दुनिया में ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाली सबसे तेज मशीन है। बीजिंग में इस मशीन का निर्माण किया गया है। इस मशीन का वजन 580 टन है और लंबाई 304 फीट है। साथ ही इस मशीन की चौड़ाई 24 फीट है। यह मशीन देखने में किसी क्रेन और ट्रेन का संगम लगती है। इस मशीन का काम करने की स्पीड काफी तेज है जिसे आप बड़े बड़े पुलों का निर्माण बड़ी जल्दी किया जा सकता है। यह मशीन ब्रिज पर इंस्टॉल किए जाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और ब्रिज के हिस्से को जोड़ती चली जाती है। दोस्तों हालांकि यह मशीन कई लोगों का काम आसान कर रही है और काफी वक्त भी बचा रही है। तो दोस्तों नंबर 4 पे वेव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। दोस्तों यह मशीन देखने में काफी अजीब सी लगती है। इस मशीन का काम है जो समुन्द्र की लहरों से जनरेट काइनेटिक एनर्जी होती है इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। इसके लिए हुए वेव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर समुद्र में प्लांट किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जब दुनिया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तलाश में होगी तो समुद्र में वेव फॉर्म्स का बोलबाला होगा जहां से बिजली बनाई जाएगी। दोस्तों यह मशीन भविष्य में काफी यूजफुल होने वाली है क्योंकि भविष्य में हर चीज एडवांस होने वाली है जिस कारण हमें बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों नंबर 5 पे लार्ज हैड्रॉन कॉलाइडर। दोस्तों यह मशीन जितना ही दिखने में अजीब सा है इसकी उतनी ही ज्यादा खासियत है। अगर बात दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों की हो रही हो तो हम लार्ज हैड्रॉन कॉलाइडर को कैसे भूल सकते हैं। यह मानव निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है और मानव इतिहास की सबसे महंगी मशीन है जिस पर $10 बिलियन से भी ज्यादा धन लगा है। इस महान मशीन लार्ज हैड्रॉन कॉलाइडर जिसे सार्ट गैलेक्सी भी कहा जाता है, इसे बनाने का कारण यह था कि लाइट की स्पीड में सफर करते 2 अति सूक्ष्म पार्टिकल के बीच टकराव के दौरान जो परिस्थितियां पैदा होती है उनका अध्ययन किया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अध्ययन से यह एनालिसिस किया जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। इस विशालकाय मशीन लार्ज हैड्रॉन कॉलाइडर के बारे में एक समय बताया जा रहा था कि इस मशीन के सूक्ष्म पार्टिकल से जो ब्लैक होल बनेगा वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कौन सी मशीन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।